हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज 40x40 फीट, इसका 40 फीट दिया, लंबाई भी इसकी 40 फीट रखी हुई है। इसमें आपको फ्रंट में 3 दुकान दिखी, कार पार्किंग दिखी, अंदर आपको 3 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेशन आपका 40 फीट में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते हैं अपने 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है 40x40 में। फ्रंट इसका 40 फीट दिया, लंबाई भी इसकी 40 फीट रखी हुई है। कंप्लीट हटिया भी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से डाल दिया गया है, वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पे आपको इस तरीके से काफ़ी वीडियो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार पार्किंग के लिए कुछ इस तरीके से रैंप दी है। यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुकान के लिए कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ दी हुई हैं, देख सकते हैं आप। एक गेट आपका 9 फिट का लगा हुआ है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके दिख जाता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको जिस तरीके से पार्किंग एरिया दिख जाता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा आपका पार्किंग दिया हुआ है। इस पार्किंग का मैंने साइज दिया हुआ है 10x15, ये 10x15 की आपकी पार्किंग दी गई है, देख सकते हैं 10x15। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना मिल जाता है। जीना आपका 4 फिट का बना हुआ है, कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके दिया हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है, आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 7 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है, जीने नीचे आपको अच्छा खासा इसके मिलता है पार्किंग के पर्पज से। यहाँ पे आपकी बाइक पार्किंग भी हो जाएगी और कार पार्किंग भी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दुकानें दिख जाती हैं। फ्रंट में देख सकते हैं 3 दुकानें आपकी दी हुई हैं, तीनों दुकानों का साइज मैंने सेम रखा हुआ है। दुकान का मैंने साइज दिया 9.5x15, इस 9.5x15 की आपकी दुकान दी है। फ्रंट इसका 9.5 फिट रखा है, लंबाई इसकी 15 फिट रखी हुई है, देख सकते हैं 9.5x15। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप काफ़ी बड़ा हॉल मिल जाता है। कुछ इस तरीके से हॉल में आप बैठक बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस पूरे हॉल का मैंने साइज रखा है 15x16 का आपका हॉल दिया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है कुछ इस साइड से, देख सकते हैं आप। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप किचन मिल जाती है जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 7.5x10, 7.5x10 की आपकी किचन दी गई है, देख सकते हैं 7.5x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद मास्टर बेडरूम दिख जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद लैट्रिन बाथरूम कमांड मिल जाती है जिसका मैंने साइज रखा है 4x6.5 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपका 2.5x2.5 फिट का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपको वेंटिलेशन जाल मैंने दिया हुआ है, पीछे आप आ जा सकते हैं आराम से। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट भी उपलब्ध कराया, अगर आप विंडो लगाना चाहें विंडो भी आप लगा सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 12x13, ये 12x13 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं 12x13। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है, वेंटिलेशन छोटा सा रोशनदान मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वेंटिलेशन दिया हुआ है सारी लैट्रिन बाथरूम का, या फिर कॉमन लैट्रिन बाथरूम दी हुई है जिसका मैंने साइज रखा 5x6.5, ये 5x6.5 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमाइंड बनी हुई है, देख सकते हैं कॉमन आपकी लैट्रिन बाथरूम दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद मास्टर बेडरूम दिख जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री करती है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद लैट्रिन बाथरूम कमांड दिख जाती है जिसका मैंने साइज रखा 4x6.5, 4x6.5 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड बनी हुई है। इस रूम का मैंने साइज दिया है 12x12, ये 12x12 का आपका मास्टर बेडरूम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री के मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सेम साइज का रूम दिख जाता है कुछ इस तरीके से। ये भी आपका 12x12 का रूम दिया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40x40 में फ्रंट में आपको 3 दुकान मिलती हैं, कार पार्किंग मिल जाती है, बाइक पार्किंग मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको बड़ा सा हॉल मिल जाता है, 3 BHK हाउस प्लान कंप्लीट दिख जाता है, देख सकते हैं आप। कंप्लीट हटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैट्रिन बाथरूम के और रूम के वेंटिलेशन के यहाँ पे जाल दिया हुआ है, किचन का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है, देख सकते हैं आप अपने हिसाब छज्जा निकाल सकते हैं 2 फिट 2.5 फिट जितना भी आपको निकालना हो। 40x40 में आगे दुकान कार पार्किंग के साथ में हाउस प्लान कंप्लीट बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।